अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट साहब, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी वालेकुम सलाम। यस सर, जी अच्छा जी, अब हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स को। सीक्वेंशियल सर्किट को जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमने कहा था कि उसमें इनपुट है, आउटपुट है और प्रोसेसिंग दरमियान में हो रही होगी, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि उसमें फीडबैक सर्किट भी होता है, क्योंकि आउटपुट का रिजल्ट जो है वो कुछ इनपुट्स की तरफ भी जो है वो शिफ्ट हो रहे होते हैं, वो फिर सर्किट जो है वो स्पेशल सर्किट बन जाते हैं। फिर हमें मेमोरी डिवाइसेस जितनी भी बनानी होती हैं, काउंटर जितने भी डिजाइन करने होते हैं, रजिस्टर्स जो हैं वो टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस जो बनती हैं, वो सारे के सारे सिक्वेंशियल सर्किट्स से ही डिजाइन होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो कि जिस तरह से हम कॉम्बिनेशन सर्किट बनाते हैं लॉजिक गेट से, इसी तरह से जब हम सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो था, हमने फ्लिप फ्लॉप से पहले भी एक जो है वो डिस्कस किया था, उसको क्या कहा था हमने, याद है किसी को? सबसे पहले पढ़ा था हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट के बाद, जब हमने सीक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट किया था तो एक डिवाइस हमने डिस्कस की थी जिसको हमने कहा था एस आर। आगे क्या कहा था उसको? फ्लिप फ्लॉप नहीं कहा था उसको, एस आर क्या था, याद है किसी को? लैचेस थी, सर लैचेस पढ़ी थी आपने। जो लैच को डिजाइन किया था हमने, अगर और गेट से डिजाइन किया था या नॉर गेट से डिजाइन किया था, तो याद होगा कि एक आउटपुट जो है वो दूसरे वाले और गेट के इनपुट के साथ कनेक्टेड था, याद है जिशान? जी, तो वो आउटपुट जो था वो हमने इनपुट के साथ कनेक्ट किया था, तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं कि ऐसे सर्किट जो है वो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, जिसका आउटपुट जो है वापस जो है वो इनपुट के साथ भी कनेक्ट हो, तो उसको हम सीक्वेंशियल सर्किट्स का नाम देते हैं। तो लैचेस से ही हमने स्टार्ट किया था, पहली जो हमारा बिल्कुल बेसिक जो सर्किट था वो लैच था, फिर लैच के साथ हमने एडवांसमेंट की, उसके अंदर मॉडिफिकेशन की, तो फिर हमने फ्लिप फ्लॉप्स बनाए, और फिर फ्लिप फ्लॉप्स से जो है फिर हमने जो है वो सर्किट डिजाइन करने शुरू किए। अब हमने जितने भी सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करते हैं वो कभी लैच से बनाए जाते हैं, कभी फ्लिप फ्लॉप से बनाए जाते हैं। याद है किसी को क्या फर्क था लैच और फ्लिप फ्लॉप में? कोई बता सकता है? मेरे ख्याल में रीसेट और सेट का कोई फर्क था, डिफरेंस था सेट या रीसेट। अच्छा, ये सेट और रीसेट जो हैं ये एसिंक्रोनस इनपुट कहलाते हैं इत्तेफाक से, तो जवाब गलत हो गया। सेट रीसेट जो है वो एसिंक्रोनस इनपुट्स कराते हैं, और यस सर। जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर जिस चीज का फर्क है वो मैं बताता हूँ। और कोई बताए एस आर लैच और एस आर फ्लिप फ्लॉप में क्या फर्क है? तो मेरे ख्याल में वो फ्लिप फ्लॉप में अपना स्टोरेज भी होती है और वो खुद ब खुद चेंज हो जाता है अगर इनपुट्स में कोई चेंज आए तो।
तो ये तो काम लैचेस में भी हो रहा है ना। नहीं सर, लैचेस में तो सब चेंज नहीं होता है, कारण उसको अटेंशन देनी पड़ती है या कुछ ऐसा डिफरेंस होता है। अच्छा जो फ्लिप फ्लॉप है ना उसमें मैं इनपुट भी दे दूं तब भी चेंज ना ही आएगा, ये भी मैं करके दिखा दूं। सर इतना थोड़ा सा याद था। क्लॉक पल्स का फर्क होता है लैच में और फ्लिप फ्लॉप में, क्लॉक पल्स का फर्क होता है भाई। फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स होती है, तो इसलिए हमने फ्लिप फ्लॉप को कहा था एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, याद है एज ट्रिगर्ड। या तो राइजिंग एज पे जो है वो ट्रिगर करेगा या फॉलिंग एज पे ट्रिगर करेगा, उसके बगैर फ्लिप फ्लॉप का इनपुट आउटपुट पे जा ही नहीं सकता जब तक क्लॉक पल्स नहीं आएगी। क्लॉक की अगर राइजिंग एज फ्लिप फ्लॉप है तो जब तक उसको राइजिंग एज नहीं मिलेगी आप जितना भी इनपुट देते रहे उसमें वो कभी भी जो है वो आउटपुट पे शिफ्ट नहीं करेगा। तो इसलिए क्लॉक पल्स बहुत जरूरी है इसके लिए। अब वो क्लॉक पल्स आपकी मर्जी है, 1 सेकंड के बाद दे दें, 2 सेकंड के बाद दे दें, 3 सेकंड के बाद दे दें, जब भी दे दें उसके मुताबिक सेट हो जाता है। तो जब आप जो है वो ट्रिगर करेंगे तो उस वक्त जो है वो आउटपुट शिफ्ट कर देगा। तो इसलिए फ्लिप फ्लॉप और लैच में ये डिफरेंस था, फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स होती है, लैच में क्लॉक पल्स नहीं है। हमें उसको जो है अगर यूज करना है तो इनेबल पिन के साथ हम यूज कर सकते हैं। तो सेट और रीसेट था, हमने फ्लिप फ्लॉप के अंदर मॉडिफाई करके मजीद सर्किट को एनहेंस किया था और उसमें दो इनपुट डाले थे, प्रीसेट और प्री रीसेट था मेरा ख्याल, ऐसे दो थे, दो पिन थी। ये क्लॉक पल्स पे डिपेंडेंट नहीं होती है। अगर मुझे क्लॉक पल्स अगर 2 सेकंड के बाद आ रही है या 2 घंटे के बाद क्लॉक पल्स आएगी तो फिर दोबारा फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। तो 2 घंटे के दरमियान में अगर मुझे कभी जो है वो किसी सिस्टम को सेट या रीसेट करना है तो फिर ये जो है वो एसिंक्रोनस इनपुट्स कराती थी जिसके थ्रू हम फ्लिप फ्लॉप को सेट या रीसेट कर सकते थे। लेकिन ये एसिंक्रोनस इनपुट्स कराती हैं, क्लॉक पल्स के बगैर हम इसको काम करवा सकते हैं फ्लिप फ्लॉप। ये फिर हमने मॉडिफाई किया था फ्लिप फ्लॉप। जब ये दो पिन्स हैं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब मुझे जो है वो मॉड्यूल बनाने होते हैं, अगर मैंने 99 का सर्किट बनाना है तो 9 का एक बनाऊंगा, 9 का एक बनाऊंगा, दोनों को आपस में कैस्केट कर दूंगा। तो कैस्केट करने से फिर जो है वो दोनों जो है वो काउंटर जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे, 0 से 9, फिर 19 तक, फिर 29 तक, फिर 39 तक, फिर 49 तक, इसी तरह से 99 तक चलने के बाद दोबारा 0-0 पर आ जाएंगे। इसी तरह कैस्केट अगर 999 काउंट करना है तो तब भी ये हो सकता है। तो ये प्रीसेट और प्री रीसेट पिन है उस वक्त यूटिलाइज होती है। इसको लैच को या फ्लिप फ्लॉप को हम कहते हैं बाई स्टेबल स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट क्या आता है, आउटपुट आता है ए और ए बार, मतलब 2 बिट जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं इसके ऊपर, ए भी स्टोर कर सकते हैं और ए बार भी स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसको बाई स्टेबल स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। 2 बिट जो है वो स्टोर कर लेते हैं आप इसमें, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ए और ए बार। ऐसा नहीं हो सकता कि ए और ए दोनों आ जाए या ए बार और ए बार आंसर आ जाए, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो मुझे अगर जो है वो 4 बिट का रजिस्टर बनाना है, 4 बिट रजिस्टर बनाना है, तो 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करूंगा या 4 लैचेस यूज करूंगा, तो मुझे 4 बिट का रजिस्टर बना लूंगा। 8 बिट का बनाना है तो 8 लैच या फ्लिप फ्लॉप लगाने पड़ेंगे, 16 बिट का बनाना है तो 16 फ्लिप फ्लॉप या 16 लैचेस लगाने पड़ेंगे, 32 बिट का बनाना है, 64 बिट का बनाना है, जितने भी साइज का जो है मुझे रजिस्टर बनाना है उतने फ्लिप फ्लॉप्स मुझे या उतने लैचेस मुझे यूज करने पड़ेंगे। ऐसे ही मुझे अगर काउंटर बनाना है 2
बिट काउंटर है, 3 बिट काउंटर है, 4 बिट काउंटर है, 5 बिट काउंटर है, 6 बिट काउंटर है, जितने बिट का काउंटर बनाना है उतने फ्लिप फ्लॉप्स मुझे जो है वो इसमें लगाने पड़ेंगे। अगर 6 बिट काउंटर बनाना है तो 2^6 तक, मतलब 63 तक जो है वो काउंट करेगा, 0 से लेकर 63 तक काउंट करेगा और फिर दोबारा रीसेट हो जाएगा। 2 बिट काउंटर अगर बनाना है तो 2^2 = 4, मतलब 4 लॉजिक्स होंगी, 0 से लेकर 3 तक काउंट करेगा और फिर रीसेट हो जाएगा। 3 बिट काउंटर बनाना है तो 3 फ्लिप फ्लॉप लगाने पड़ेंगे, 2^3 = 8, 0 to 7 काउंट करेगा और उसके बाद रीसेट हो जाएगा। तो हम ये फ्लिप फ्लॉप से, लैचेस से जो है वो इस तरह से काउंटर्स हम बना सकते थे। फिर काउंटर के अंदर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर दोनों डिजाइन किए थे। तो फर्क क्या था? सिंक्रोनस काउंटर का मतलब ये है कि तमाम के तमाम फ्लिप फ्लॉप जितने भी सर्किट में लगे हुए हैं उनको एक साथ जो है क्लॉक पल्स मिलेगी, एक साथ काम करेंगे बिल्कुल पैरेलल। अगर 10 फ्लिप फ्लॉप लगाए हुए तो 10 एक साथ जो है वो रिजल्ट इनपुट से आउटपुट पे ट्रांसफर कर देंगे, एक साथ अलग अलग काम नहीं करते, बिल्कुल एक वक्त में काम करेंगे, फिर स्टॉप हो जाएंगे, फिर क्लॉक पल्स आएगी तो फिर काम करेंगे। इसको कहते हैं सिंक्रोनस, इसको कहते हैं सिंक्रोनस सर्किट्स। एसिंक्रोनस क्या होता है? एसिंक्रोनस के अंदर जो है वो तमाम के तमाम जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो एक साथ काम नहीं करते, कभी कोई एक काम कर रहा होगा, कभी दूसरा काम कर रहा होगा, कभी तीसरा काम कर रहा होगा। तो हर एक के पास क्लॉक पल्स है वो अलग अलग टाइम में जा रही होगी, वो अलग अलग वक्त में ट्रिगर करेंगे, ये रिजल्ट जो है वो इनपुट से आउटपुट पे ट्रांसफर करेंगे अलग अलग टाइम में। तो फिर क्लॉक पल्स सब पर सेम नहीं जा रही होगी, इसलिए उसको कहते हैं एसिंक्रोनस सर्किट्स या एसिंक्रोनस काउंटर्स। कोई क्वेश्चन आप लोगों का यहां तक, किसी का कोई सवाल है? सर जी, सर जैसे हमारे पास हाई लो हो रहे होते हैं फ्लिप फ्लॉप के अंदर, तो ये भी हमारे पास एसिंक्रोनस था? आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई, दोबारा से बोले। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे पास हाई और लो हो रही होती है जब फ्लिप फ्लॉप के अंदर, क्या कह रहे हैं? फाइव हो रहा होता है, क्या हो रहा था? सर हाई और लो, हाई और लो, राइजिंग एज या फिर फॉलिंग एज? फॉलिंग एज जी सर। इसके अंदर हमारे पास एसिंक्रोनस ना रहा होगा? नहीं नहीं, ये दोनों में चल जाएगा ना, मतलब फ्लिप फ्लॉप को काम कब करना है? अगर जो है वो जो क्लॉक की जगह पर अगर बबल नहीं लगा हुआ तो फिर वो राइजिंग एज फ्लिप फ्लॉप होगा, उसके लिए फिर हम सिंक्रोनस भी बना सकते हैं और एसिंक्रोनस भी बना सकते हैं। 4 फ्लिप फ्लॉप लगे, चारों को एक साथ काम कराना, एक साथ ट्रिगर करेंगे, सबके सब राइजिंग एज लगे हुए, जब एक साथ काम करेंगे तो फिर सिंक्रोनस हो जाएगा, जब अलग अलग टाइम में ये चारों काम कर रहे होंगे तो फिर ये एसिंक्रोनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो अपने कोर्स के अंदर रजिस्टर्स को पढ़ेंगे, रजिस्टर जो है वो 16 बिट का भी है, 8 बिट का भी है, 32 बिट का भी हो सकता है, 64 बिट का भी हो सकता है, आप जो यूज कर रहे हैं, मेरे ख्याल 64 बिट आर्किटेक्चर है जो आपके अभी लैपटॉप में जो कंप्यूटर में जो आ रहे हैं, तो वो तो 64 बिट ही है। 64 बिट का रजिस्टर अगर है तो फिर उसका मतलब ये है कि उसमें 64 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए एक रजिस्टर में, एक सिंगल रजिस्टर में, तभी वो 64 बिट स्टोर कर रहा है। 64 बिट स्टोर करने का मतलब ये है 64 फ्लिप फ्लॉप्स उसके अंदर मौजूद। और वो मुझे डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है तो पहले मैं वो 64 बिट जो है वो बस पे ट्रांसफर करूंगा। बस क्या है? सिंपल कॉपर वायर, 64 कॉपर वायर पैरेलल लगी हुई। आपने डेटा कम्युनिकेशन अगर पढ़ी है तो उसमें जो है वो कम्युनिकेशन दो तरह से बताई थी, पैरेलल और सीरियल, दोनों तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। तो सीरियल कम्युनिकेशन स्लो होती है और पैरेलल कम्युनिकेशन फास्ट होती है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि सिंगल क्लॉक पल्स के ऊपर डेटा जो है वो रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाए, तो फास्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो इसलिए पहले जो है वो डेटा रजिस्टर से बस पे ट्रांसफर होगा,
और फिर बस से जो है फिर अगले रजिस्टर डेस्टिनेशन पे जिस रजिस्टर में डालना है, मिसाल के तौर पे ए से बी में शिफ्ट करना है, तो पहले ए से बस पे आएगा और बस पे से फिर जो है वो बी रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, लोड हो जाएगा रजिस्टर। तो उसके लिए हमने कहा था कि हमारे पास जो है डिवाइस जो है वो मक्स डीमक्स डिवाइस लगी होती है या फिर ट्राई स्टेट बफर होता है, वो हम यूज कर लेते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक डिवाइस लगी होगी जो इसको जो है वो बस पे ट्रांसफर करेगी या बस से जो है वो रजिस्टर में ट्रांसफर करेगी, तो उसके लिए जो है वो हमारे पास मक्स डीमक्स लगी होगी। मात आपे मात आपे, मेरी आवाज आ रही? है सर, आवाज आ रही? अच्छा, अब मेरे पास जो है वो सिंपल कैलकुलेटर मौजूद है, सिंपल कैलकुलेटर जिसमें चार चीजें होती हैं सिर्फ और सिर्फ, ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ठीक है, मैंने अब जो है वो इनपुट दिया 5 और 6, ये दो डेटा इनपुट दिए, 5 पहले दिया और फिर जो है वो मैंने ऑपरेटर दबाया, ऑपरेटर कौन सा दबाया, प्लस का, और फिर दबाया 6, तो मुझे आंसर दे दिया 11। ठीक है जी, इसी तरह से मैंने फिर जो है वो 6 इनपुट दिया और फिर सब्ट्रैक्ट का बटन दबाया और 5 इनपुट दिया, तो मुझे आंसर मिला 1। तो ये ऑपरेटर प्रेस करने से रिजल्ट फर्क कैसे आ रहा है, इसके ऑपरेटर के पीछे कौन सा सर्किट लगा हुआ है जो कभी ऐड कर देता है तो कभी सब्ट्रैक्ट कर देता है तो कभी मल्टीप्लाई कर देता है और कभी डिवाइड कर देता है, कौन सा सर्किट लगाना चाहिए? सर ये लॉजिक गेट्स लगे हुए हैं इसके पीछे। हाँ, वो लॉजिक गेट तो लगे हुए, लेकिन वो लॉजिक गेट तो बिल्कुल बेसिक हो गया ना, हमारे पास ऐसी डिवाइस मौजूद है जो ये काम कर रही होती है, एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लाई, डिवाइडर, ये तो चार लगे हुए उसके अंदर, ये तो चार लगे हुए उसके अंदर, इन चारों में से एक्टिव किसको करना है वो फिर ऑपरेटर बताता है, इन चारों में से एक्टिव किसको करना है, इनपुट सब में जा रहा होगा, एडर में भी गया जी जी, सबट्रैक्टर वाले सर्किट में भी गया, ये इनपुट मल्टीप्लाई के पास भी गया, ये इनपुट जो है डिवाइडर के पास भी गया। ठीक है, लेकिन एक्टिव कौन सा सर्किट होगा वो ऑपरेटर जब प्रेस करेंगे तो फिर पता चलता है, अगर प्लस का बटन दबाएंगे तो सारे के सारे डिसेबल हो गए, सिर्फ एडर वाला सर्किट एक्टिव हो गए, अगर मैं मल्टीप्लाई दबाता हूँ का ऑपरेटर प्रेस करता हूँ तो मल्टीप्लाई वाला सर्किट काम करता है, बाकी सबट्रैक्टर, एडर और डिवाइडर ये सब के सब डिसेबल हो गए, और इनेबल कौन सा हो गया, सिर्फ मल्टीप्लाई, इसके पीछे कौन सी डिवाइस लगी? सर वो सेलेक्टर लगा हुआ होगा। ठीक है, सिलेक्टर कहां पर लगा होता है, कौन सी डिवाइस में लगा होता है? सर सर बेसिकली सर सिलेक्टर होता है डिवाइस के पीछे जो कि काम कर रहा होता है, जैसे अब एडर हमें चाहिए तो वो एडर के लिए बाकी सबको बंद कर देगा लेकिन सिर्फ एडर के लिए परफॉर्म होगा, मल्टीप्लेक्सर नहीं होगा। यस सर, मल्टीप्लेक्सर याद आ गया, मल्टीप्लेक्सर में ऐसा ही होता है, मल्टीप्लेक्सर, यस सर मल्टीप्लेक्सर होता है, उसके अंदर सिलेक्टर लगा हुआ होता है। हां, तो मक्स डीमक्स जो है ये डिवाइसेस काम कर रही होती है। जी सर, जब मैं डी मल्टीप्लेक्सर लगाऊंगा तो 00 पर मुझे कोई एक जगह पर आउटपुट दे रहा होगा, 01 10 11, तो ये जो 00 पर है मैंने एडर लगाया हुआ, 1 2 many, ये अब वो कनेक्ट होगा उसके एडर के इनेबल पिन के साथ, 00 पर एडर ऑन हो जाएगा, 01 पे सबट्रैक्टर ऑन हो जाएगा, 10 के ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई ऑन हो जाएगा और 11 के ऊपर जो है वो डिवाइसर जो है वो ऑन हो जाएगा। अब जब मैं 00 दूंगा तो सिर्फ एडर सर्किट इनेबल हुआ, बाकी तीनों सर्किट डिसेबल रहे, ये काम डी मल्टीप्लेक्सर ने किया।
तो इसलिए ये जो जितनी भी डिवाइसेस आप पढ़ेंगे, आप बुक पढ़ के आएंगे या ये वाली जो बुक है मॉरिस मानो के पहले 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे आप, तो इसको आपको ये नहीं पढ़ना कि एडर कैसे काम करता है, आपको ये देखना है कि एडर का इस्तेमाल क्या है, आपको ये नहीं देखना कि इनकोडर कैसे काम करता है, आपको ये देखना है कि इनकोडर का काम क्या है, क्योंकि आगे हमने जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यूज करना है इनको, इन डिवाइसेस को। आपको ये पता होना चाहिए कि जो है वो मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि डिकोडर का काम क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि काउंटर कैसे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जो है वो कहां पर इस्तेमाल हो। आपको ये पता होना चाहिए कि रजिस्टर जो है उसका इस्तेमाल क्या है, क्योंकि हमारी स्टेज अब वो वाली नहीं है कि हम ये देखें कि रजिस्टर कैसे बनता है। हमने इस कोर्स में ये नहीं देखना कि रजिस्टर कैसे बनता है, हमने ये देखना है कि रजिस्टर का इस्तेमाल कैसे है, काउंटर का इस्तेमाल कैसे है, इन चीजों को हमने जो है फोकस करना है। कोई सवाल आप लोगों का यहां तक? मोहम्मद यूसुफ आप लोगों को सवाल है? नो सर। सारा खान, जी सर। जी कोई क्वेश्चन? नो सर। अभी आखिरी टॉपिक मैंने क्या समझाया आपको? अभी आप जो हैं कैलकुलेटर के बारे में पूछ रहे थे, लाइक उसमें कौन सी डिवाइस लगी हुई थी इसके बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, कौन सी डिवाइस का नाम लिया मैंने? सर लॉजिक गेट्स लगे हुए थे उसमें, और नहीं वो जो सिलेक्टर है वो कौन सी डिवाइस है? सर इसका मुझे नहीं, मैंने नहीं सुना था। क्या कर रही है? नाश्ता बना रही है? नहीं नहीं है। फिर सर एक्चुअली मेरी लाइट गई हुई है तो बार बार आपकी आवाज काफी कट रही है, और ये तो अब जो है वो बहाना हो गया ना, ये तो अब बहाना हो गया। नहीं नहीं सर। और क्या, ये अलग बात है कि साथ में फेसबुक चल रहा हो, व्हाट्सएप पे दोस्तों से बातें कर रहे हो तो फिर ध्यान बढ़ जाता है। नहीं नहीं सर, आपकी बातें सुन रहे थे बस, रिकनेक्टिंग पे जा रहे हैं बार बार। मसला ये है ना कि हमारा कंप्यूटर जो है वो हमें लगता है कि 3-4 काम कर रहे होते हैं। मैंने एक्सेल भी खोला हुआ है, मैंने वर्ड भी खोला हुआ है, मैंने जो है पीछे म्यूजिक भी चलाया हुआ है और कॉपी पे काम भी कर रहा हूँ, तो 3 काम जो है कंप्यूटर लग रहा है एक साथ कर रहा होता है, लेकिन वो कंप्यूटर एक साथ 3 काम नहीं कर रहा होता, वो इतना फास्ट काम कर रहा होता है तो हमें लग रहा होता है कि 3 काम एक साथ कर रहा है। कंप्यूटर जब एक वक्त में एक काम करता है तो हमारा दिमाग भी एक वक्त में एक ही काम कर सकता है, हमें लगता है कि हम 2 काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो फिर जो है वो काम जो है हमारा दिमाग इतना तेज काम नहीं कर सकता जितना तेज काम कंप्यूटर कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि एक वक्त में एक ही काम करें तो बेहतर है। सोशल नेटवर्क्स और बाकी ये वो काम जो है वो होते रहेंगे जिंदगी में, अभी तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ये बीएस कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेना है, तो सारे कामों के ऊपर ये जो है वो सबसे टॉप पर होना चाहिए। अच्छा, लाइट के हवाले से मैं बता दूं कि लाइट जो जा रही होगी आपकी, अगर जो है वो 5-10-15 मिनट के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है जी लाइट चलेगी तो उसमें आप एब्सेंट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटे के लिए आप जो है बीच में से गायब है, मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा। तो तमाम सबके लिए यही है कि जो है वो अगर लाइट गई होगी तो आपके पास डेटा कनेक्शन होना चाहिए, मोबाइल से आप कनेक्ट हो, हॉटस्पॉट बनाए और मोबाइल को अपने और कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, या फिर बैकअप के ऊपर आप मोबाइल से कनेक्ट हो जाए। जो चैटिंग में मुझे चीजें पूछनी होती हैं, सवाल पूछने होते हैं, सर्किट बना के आपको व्हाट्सएप पे डालने होंगे,
तो वो चीजें जाहिर है उस टाइम पीरियड में नहीं हो सकती हैं, वो इमरजेंसी में ये काम जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपको ये सारी चीजें जो है वो एक्टिव रखनी होंगी, जिसमें आप लोग रिस्पॉन्स देते रहेंगे, तभी मुझे भी पता रहेगा कि आप लोग मौजूद हैं क्लास में, नहीं तो अटेंडेंस तो लग ही जाती है। जब लॉग इन होंगे तो 40 मिनट के लिए जो है पता रहता है कि जी लॉग इन हुए हैं, जैसे डिस्कनेक्ट हुआ दोबारा कनेक्ट कर लिए। लोग अपने जो है वो बहनों भाइयों को बिठा के चले जाते हैं, अपने वाले साहब को वालदा को बिठा देते हैं कि जब ये बंद हो तो बस आपने जो है वो उसको लॉग इन कर देना, बाकी कोई मसला नहीं। अटेंडेंस हमारी लगनी चाहिए, तो मुझे अटेंडेंस से ज्यादा आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, कि स्टूडेंट कितना पार्टिसिपेट कर रहा है क्लास में, और ये आपके लिए ही फायदेमंद है, मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। देखिए, क्योंकि एग्जाम आपने देना है, जितने आप क्लास में एक्टिव रहेंगे उतना ही जो है वो आपको उस कोर्स पे ग्रिप होगी, और एग्जाम में आपके लिए आसानी होगी, मेरे लिए कोई मसला नहीं। मैं तो ये भी आसानी से कर सकता हूँ कि मैं जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो डाल दूं और आपसे कह दूं कि जो ये मैं प्ले कर दूंगा 3 घंटे के लिए, आप सुनते रहेंगे ना, आपसे सवाल पूछूंगा, और जाहिर है फिर आधी से ज्यादा चीजें आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रही होंगी। जब इंटरेक्टिव सेशन नहीं होता तो फिर बहुत कुछ समझ में नहीं आता। किसी ने बुक डाउनलोड की है मॉरिस मेनो की, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की, थर्ड और फोर्थ एडिशन कोई भी हो? सर पेड मिल रही है, अनपेड मिल रही है? अरे मिल जाएगी, अनपेड क्या होगा, मेरे पास एक वेबसाइट थी, मैं खाली वहां से उसमें डाल के तो जो है वहां से बुक्स मिल जाती थी, मैं देखता हूँ अगर वो मुझे मिल जाए, अदरवाइज जो है मिल जाएगी, अनपेड मिल जाएगी। तो पहले 3 चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं इसके लाजमी, जो कि DLD से रिलेटेड है कंप्लीटली, तो अगली क्लास में मैं उन चीजों को रिवाइज नहीं करूंगा, DLD की चीजों को रिवाइज नहीं करूंगा, बल्कि मैं चैप्टर 4 से स्टार्ट करूंगा, जहां से हमारा जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि कोर्स फास्ट ट्रैक में जाएगा, हफ्ते में 2 सेशंस होंगे, 6 3 3 घंटे के, तो इसलिए आपको कोर्स भी आपको 2 मिले हुए हैं, 5 कोर्सेज नहीं मिले हुए, इसलिए जो है वो वक्त की कमी नहीं होगी आपके पास। अगर कोई ये कहे कि जी कोर्स तेज चल रहा है, तो नॉर्मल सेमेस्टर में आपको 5 कोर्सेज को 1 हफ्ते में पढ़ना होता है, या उस हिसाब से अगर सेमेस्टर आधा हुआ है तो कोर्सेज भी 2.5 होने चाहिए, लेकिन आपको 2.5 कोर्स नहीं मिले, आपको 2 कोर्स मिले हैं, बस एक कोर्स को ज्यादा पढ़ना होगा, वहां पर आप 5 कोर्सेज को पढ़ रहे होते हैं, तो इससे जो है वो वक्त की कमी नहीं होगी, वक्त को आपको मैनेज करना होगा। तो अगले क्लास से पहले पहले आपको पूरा टॉपिक जो है वो पढ़ के आना होगा, स्लाइड्स पढ़ के आनी होगी, बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है। जो लोग बुक को पढ़ेंगे वही लोग जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, और वो एक्सरसाइज जो लोग सॉल्व कर लेंगे उनको जो है उस चैप्टर पे ग्रिप 100% हो जाएगा। सर वो बुक की लिंक शेयर कर रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? सर बुक के लिए लिंक शेयर कर देंगे आप सर? मैं कोशिश करता हूँ, मुझे जो है वो लिंक मेरे पास कहीं होगा तो मैं निकाल के देता हूँ। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, इंटरनेशनल एडिशन होगा या फिर इंडियन एडिशन? वही भी चल जाएगा, क्या हो गया? हाँ मतलब जो इंडियन एडिशन भी होता है अच्छा खासा साफ सुथरा होता है, वो जो येलो कलर में होता है ना वो बुरा होता है, बाकी इंडियन एडिशन भी जो है वो भी साफ सुथरा होता है, पेपर मुनासिब होता है उसका। पढ़ना आपने है, जहां से पिक्चर ज्यादा अच्छी क्लियर नजर आती है वो वाली आप जो है वो बुक अगर हार्ड कॉपी परचेज कर रहे हैं तो बेहतर है वो वाली खरीदें, जो वो येलो पेजेस में सॉफ्ट कॉपी में मुझे मिली थी वो इंटरनेशनल एडिशन है सर, मॉरिस मेनो। डाउनलोड कर लिया? यस सर। हाँ तो सही है, वो भी सही है, तो मसला नहीं है। आप जो है कितने MB पे है?
कितनी एमबी की फाइल है? जैसे मैं देख रहा सर 10 MB की है। व्हाट्सएप पे डाल दो ना भाई, व्हाट्सएप पे डाल देना, ये लोग ले लेंगे वहीं से, अपने ग्रुप वाला जो व्हाट्सएप है उसमें डाल दो, या फिर मुझे भी दे दें। हाँ व्हाट्सएप पर आ जाएगी तो मुझे भी मिल जाएगी, मैं उधर LMS पे भी डाल देता हूँ। अच्छा स्लाइड्स जो है वो एक तो PPT और दूसरी जो है वो जो ये रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, ये वाला जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये दोनों लेक्चर जो है वो LMS पे मौजूद होंगे। एक दो दिन का गैप आ सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन कोशिश मेरी यही होगी कि उसी हफ्ते में डाल दूं। ठीक है, क्विजेस भी कोशिश करूंगा कि LMS पे ही लूं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी MCQs अगर हुए तो फिर वो मुझे गूगल क्लासरूम पे डालने पड़ेंगे, नहीं तो मुझे जो है मैं LMS पे ही क्विज लूंगा, LMS पे ही जो है वो असाइनमेंट लूंगा, तो उसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को अपलोड करना होगा। जिन लोगों का फाइनेंशियली इशू है जिसकी वजह से LMS बंद है, क्विज़ेस असाइनमेंट की हद तक तो मैं जो है वो उनको एकोमोडेट कर लूंगा, उनको जो है मैं ईमेल पे या फिर गूगल क्लासरूम बना दूंगा पैरेलल में, उस पे वो लोग असाइनमेंट और क्विज़ेस डाल सकते हैं, लेकिन मिड टर्म के लिए और फाइनल के लिए मैं बिल्कुल भी जो है आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जिन लोगों का फाइनेंशियल इशू की वजह से जो है वो LMS बंद है, ना वो मिड टर्म दे पाएंगे ना ही फाइनल दे पाएंगे, वो अपने इश्यूज जो है वो रिजॉल्व खुद करेंगे प्रेसिडेंट साहब से मिलके या ईमेल पे, वो पहले से उसको एक्टिव करवाना होगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कोई सवाल है तो पूछें, नहीं तो फिर हम क्लास जो है वो आज की इतना यहीं पर एंड करते हैं, अगले सेशन में फिर हम थर्सडे को जो क्लास होगी उसमें फिर हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आप लोगों का? नो सर, सेकंड सेशन के अटेंडेंस, सेकंड सेशन की अटेंडेंस जो है मैं यहां से चैट बंद करता हूं, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं इसका, ये स्क्रीन आपके पास भी टेढ़ी मेढ़ी होके आ रही है क्या? हाँ सही आ रही है, आपके पास सीधी आ रही है, मेरे पास तो पता नहीं, मैंने कल ही विंडो इंस्टॉल किए तो उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एक तो स्क्रीन जब मैं विंडो चेंज कर रहा हूँ तो स्क्रीन उल्टी हो जा रही है, उसके ऊपर कंट्रोल ऑल्टर और एरो का साइन करके सीधी करनी पड़ रही है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, जो अभी तक इस वक्त क्लास में स्टूडेंट मौजूद है उनकी अटेंडेंस हो जाएगी सेकंड सेशन में। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। प्रोजेक्ट के हवाले से मैं लिस्ट आप लोगों को शेयर कर दूंगा, उसमें से आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिएगा, नहीं तो कोई जो है वो अपना आईडिया आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो आप जो है वो ग्रुप वाइज जो है मुझे नेक्स्ट थर्सडे जो होगा उस दिन जो है वो आप लोगों ने प्रपोजल मुझे सबमिट करना है, वाइवा होगा आपका 5 से 10 मिनट का, और फिर उसके बाद होगा, ऐसा नहीं है कि चलते फिरते टॉपिक दे दिया, उसमें जो है वर्किंग करके होमवर्क किया हुआ होगा तो उन्हीं का प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, नहीं तो मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं, जो नहीं होगा क्लास में उसकी एब्सेंट मार्क होगी और उसके भी नंबर नहीं मिलेगा। जो बाकी लोग आज नहीं आए उनको बता दीजिएगा कि जो है वो थर्सडे को प्रपोजल सबमिट करना है। ठीक है, डेट वाइज मैं जो है बता दूंगा कि इस डेट को प्रपोजल देना है, इस डेट को आपने 50% टास्क परफॉर्म करने हैं और फाइनल प्रेजेंटेशन किस डेट को होगी, ये तीनों चीजें मैं जो है वो वर्ड की फाइल बना के मैं आपको LMS पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं पर ही ऑफ करते हैं।
ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।